कहूंगा वो बीजेपी का अंदर से समझ के चलना, वो बीजेपी को कैसा निकाल के आता आकोला में, बीजेपी कैसी निकलती उसके लिए वो कांग्रेस का कैंडिडेट वो हिसाब से नहीं कर रहा था। अगर बाला साहब अम्बेडकर खड़े हैं तो हमारा काम है आंख ही बंद करके इसको नहीं देखने वाला। अगर मेरा सगा भाई भी खड़ा है तो उसको भी देखने की हमको जरूरत नहीं, क्यों कि कौन से बड़ा कोई नहीं होता। अगर हमारे गांव का विकास करके लेना है तो हमारे एक ही नेता है बाला साहब अम्बेडकर। इसके लिए विधानसभा में और लोकसभा में कौन खड़ा है ये नहीं देखना है, साहब ने किसको सीट दी है, बाला साहब का उम्मीदवार कौन है ये देखना है हमको। कौन अभी आने वाली नगर पंचायत में साहब किसको सीट देते है, सिर्फ हमको सीट देखना है किसकी है, कौन खड़ा है ये देखने की हमको जरूरत ही नहीं है। अगर हम ये देखते बैठेंगे तो हमारे हाल वैसी होगी जैसे 2014 में हो गई, 5000 वोटों से हमारा अगर आमदार यहाँ गिरता। अगर आज हम तुम्हारे पास आमदार अगर तुम्हारे हम का रहा तो तुम्हारे लिए काम करने वाले नेता यहाँ बैठे हुए, भले साहब तुम्हारे नजदीक है, खंडारे साहब है, आशिक कोई है, तुम कभी भी अकोला जाके इनसे तुम्हारे काम करवा के ले सकते। इसके बाद भी अगर काम नहीं है तो अब तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा अगर कोई भी काम रुकता है फोन करो, मैं तुम्हारे लिए गारंटी से हाजिर हो सकता। मगर मेहरबानी करके वोट देते वक्त जज्बात, दिल और दिमाग तीनों भी एक जगह रखने का। जज्बात से वोट नहीं दिए जाते, समाज देख के वोट नहीं दिया जाता दोस्तों कि भाई भाई वो हिदायत पटेल हमारे है, कांग्रेस की सीट है, ऐसा कुछ नहीं रहता दोस्तों। अगर हमको ऐसा समझ में आ रहा, सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस हमारा वापर कर रही और उधर से मुस्लिम कैंडिडेट दे रही बाला साहब के सामने, मतलब सीधी बात है बहुजनों के वोटों का डिवाइडेशन और बीजेपी को निकालना, तो हमको तो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया ना, हमने क्या करना है। हमने आए के टाइम में हमारे भाई से हाथ जोड़ लगा सलाम वालेकुम कहता भी है सब अच्छा है, मैं रोड बाला साहब अम्बेडकर को क्योंकि काम कौन करेगा, हर साहब अम्बेडकर काम करेंगे। अगर तुम चुनके भी आ गए तो तुम घंटी लगी खेलो नहीं, तुमको काम करने का कुछ पावर नहीं, तुम आ भी गए तो तुम एक तरफ बैठने वाले। और बाला साहब का देखो तो और तुमने मेरे से बहुत अच्छा देखे कि तुम्हारे गांव में मुस्लिम को पंचायत समिति का सभापति बनाना, वो भी दो दो तीन तीन बार चार चार बार, तो तुमने देखे कि साहब का नेतृत्व कभी जातिवादी वाला नहीं, बहुजनों को साथ में लेने वाला, सबको हक में सत्ता में हक दिलाने वाला नेतृत्व हुआ वो है बाला साहब का। तो इसके लिए